यार बच्चों, इसके जो पीछे का जो मतलब कि वीडियो बनाया गया है उसमें मोलरता और मोलरता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डाले गए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। और जो भी मतलब कि जो सामग्री आपके पास, जैसे किताब कुछ भी जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हल करिए। आज हम इस वीडियो में हम मोल प्रभाज और नार्मलता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे। देखिए, तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज। यदि मान लीजिए कोई द्विअंगी विलयन है, ठीक है, द्विअंगी का मतलब वह एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, तो इसमें क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी यह है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय में क्या है, विलेय है और प्लस विलायक है, तो हम दोनों की संख्या का योग करेंगे तो वो होता है विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का मोलों की संख्या। अब देखिए, यानी ये हो गया मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं किससे, एक्स से। यहाँ पर एक्स भी लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या होता है, विलेय, यानी विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू एन बी, ये विलेय है, बी को जो है विलेय को बी से प्रश्न करते हैं, तो एन जो है मोलों की संख्या है और बी किसका है, किसके मोलों की संख्या, ये है विलेय के मोलों की संख्या, बटा एन बी प्लस एन ए। एन क्या है, एन जो है मोलों की संख्या है और ए जो है वह क्या होता है, ये जो है वह विलायक होता है, तो इस तरह से है ये फार्मूला बनता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, तो विलेय में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए, उसमें जल है और एसीटोन है, ठीक है, तो जल की क्वांटिटी अधिक है, 900 ग्राम है, और जो एसीटोन है उसी क्वांटिटी 5.8 ग्राम है, यानी ये कम है और यह अधिक है, तो जो अधिक होता है वह क्या होता है, वह जो है विलायक होता है, और जो कम होता है वह विलेय होता है। तो इसमें हम चलिए डायरेक्शन देते हैं, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं जल क्या होगा, विलायक होगा, तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा, जल के मोलों की संख्या, यानी जल के मोलों की संख्या बटा, और किसका, तो इसका निकाल रहे हैं तो जल के मोलों की संख्या हो गया बटा संपूर्ण मोलों की संख्या, तो संपूर्ण में क्या क्या है, इसमें जल है और एसीटोन है, तो बटा क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या प्लस किसका, एसीटोन का हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसको, जल के मोलों की संख्या को निकालेंगे, फिर एसीटोन के मोलों की संख्या को निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में रखेंगे, किसका निकलेगा, जल का मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो जल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या मतलब क्या होता है, भार बटा और भार, यानी जल का भार बटा जल का और भार, यानी जल का भार बटा
H2O, ये H2O है, H2O 16 और 2 18, यानी हो गया 18, ये हो गया 50, ठीक है? तो ये दोनों चीज निकल गई, अब हमको निकालना है एसीटोन के मोलों की संख्या, अब देखिए, एसीटोन के मोलों की एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यानी एसीटोन का भार बटा एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का भार कितना दिया है 5.8 ग्राम, यानी ये दिया 5.8, ठीक है 5.8 दिया है और बटा क्या हो जाएगा एसीटोन का अणुभार, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र CH3COCH3 होता है, ठीक है, तो C का कितना होता है भार 12 प्लस इसका एक होता है H का 3 प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस C का 12 और प्लस 3, यानी ये हो गया कितना 58, ठीक है ठीक है, तो यानी किसी चीज को मोलों का अणुभार कितना हो गया, ये हो गया 58, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है पॉइंट एक, ठीक है 0.1 हो गया, तो अब इसका निकाल लेते हैं जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या क्या है 50 हो गया बटा 50 बटा हो गया, अब जल के मोलों की संख्या 50 प्लस कितना एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन का मोल कितना है 0.1, यानी 0.1 इक्वल टू 50 बटा 50.1, ठीक है, यानी एसीटोन इसमें जल का मोल प्रभाव निकल जाएगा, तो भाग देंगे तो आएगा 0.998, ठीक है, अब तो जल का निकल गया मोल प्रभाव, तो किससे निकालेंगे एसीटोन का मोल प्रभाव, एसीटोन का मोल प्रभाज, ठीक है एसीटोन का मोल प्रभाज क्या होगा, यहां जल का है तो ये जल है, एसीटोन के मोलों की संख्या, यहां पर एसीटोन का मोल प्रभाज हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या कितना है 0.1, ठीक है बटा एसीटोन के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी 0.1 प्लस कितना 50, 0.1 प्लस 50, तो ये 0.1 अपन कितना हो गया 50.1, ठीक है ये हो जाएगा 0.002, तो ये निकल गया एसीटोन का मोल प्रभाज और यह निकल गया जल का मोल प्रभाज, ठीक है अब देखिए अब एक क्वेश्चन है कि यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है जलीय विलयन है जल है, ठीक है और तो यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, यूरिया के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा यूरिया के मोलों की संख्या बटा क्या होगा संपूर्ण मोलों की संख्या, तो संपूर्ण में क्या है यूरिया है और जल बटा यूरिया के
यूरिया के मोलों की संख्या प्लस क्या है, जरी भी है, प्लस जल के, प्लस जल के मोलों की संख्या। अब क्या करना पड़ेगा हमको, हमको जो है यूरिया के मोलों की संख्या निकालना है और जल के मोलों की संख्या निकालना है, फिर हम इसमें मान रख देंगे यूरिया का मोल प्रभाव निकल जाएगा। तो निकालिए यूरिया के मोलों की संख्या, हम निकालते हैं यूरिया, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यूरिया का भार बटा यूरिया का अणु भार, ठीक है। यूरिया भार कितना, 6% ये भार से दिया है, 6% भार से, ठीक है। तो मान लीजिए 6 ग्राम है, तो ये हो गया 6 हो गया, अब बटे यूरिया का अणु भार कितना होता है, यूरिया का होता है सूत्र NH2CONH2, ठीक है। इसका निकालने का 60 आएगा, यानी 6/60, 60 = 1/10, यानी 1/10 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0.10, ठीक है, ये हो गया 0.10। अब देखिए तो यूरिया का जो है, यूरिया के मोलों की संख्या, हाँ ठीक है, मोलों की संख्या, यानी अब यूरिया के मोलों की संख्या निकल गई, किसका निकालना है, जल के मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या को निकालेंगे। तो जल के मोलों की संख्या में क्या होगा, जल का भार बटा जल का अणु भार। अब देखिए ये परसेंटेज है, यानी 100 में 6 ग्राम किसका है, यूरिया का है, और शेष किसका होगा, जल का होगा। तो जल का भार यानी 100 - 6, ठीक है, बटा जल का अणु भार, जल का अणु भार कितना होता है, 18, यानी ये हो जाएगा 94/80, यानी 5.22, ठीक है। जल के मोलों की संख्या ध्यान दीजिए, हमको निकालना है यूरिया का मोल प्रभाव, तो यूरिया का मोल प्रभाव बराबर होता है यूरिया के मोलों की संख्या बटा यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी हम यूरिया के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लें तो हम इसका जो है यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तो हम निकाल लिए हैं यूरिया के मोलों की संख्या भी निकल गई है और जल के मोलों की संख्या, यानी इस संख्या का मान हम इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, यूरिया का मोल प्रभाव निकल जाएगा, यानी यूरिया का मोल प्रभाव इजकल टू, ठीक है। देखिए यहां पर है यूरिया के मोलों की संख्या, तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी निकली है, 0.10, यानी ये हो गया 0.10 + 0.10 / यहां पर फिर यूरिया के मोलों की संख्या 0.10 प्लस किसका, प्लस जल के मोलों की संख्या, और जल के मोलों की संख्या कितनी है, 5.22, ये हो गया 5.22, यानी इसका टू क्या हो गया, ये हो गया 0/10 = 5.32 इसका टू, जब इसको हल करेंगे तो यूरिया का मोल प्रभाव जाएगा 0.01, ये होगा 0.0188, ये किसका निकल गया, ये निकल गया यूरिया का मोल प्रभाव। यहां ध्यान दीजिए हमको इसको निकालना है, फार्मूला है डायरेक्ट हमें यहां रखे हैं, यूरिया का मोल के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या ये है, यानी यहां पर मान लिया बटा अपान यूरिया के मोलों की संख्या
प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी आई, इतना इसको रख दिए, ऐड कर दिए, भाग देंगे तो ये मान इतना आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद आता है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के बारे में पहले बता दिया गया है कि एक लीटर विलेय में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या एंड नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ध्यान दीजिए, विलेय का भार है, भार को डब्लू से दर्शाते हैं, विलेय को बी से, तो ये हो गया डब्लू बी अपान तुल्यांकी भार। तुल्यांकी के बाद किसका, विलेय का, तो तुल्यांकी भार की नहीं होती है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया ई बी विलेय का। यानी एन बराबर हो गया, एन बराबर डब्लू बी, डब्लू बी अपॉन ई बी गुणे विलयन का आयतन इसमें लीटर में। ठीक है, अब देखिए यदि मान लीजिए इसमें हम यदि 1000 से भाग देंगे तो किसमें चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा लीटर में यदि एमएल दिया हुआ है तो उस समय फॉर्मूला होगा एन इक्वल टू डब्लू बी इंटू 1000 बटा ई बी गुणे आयतन इन एमएल। अब देखिए, अब उसे संबंधित यहाँ सवाल है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 एमएल कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फार्मूला है, फार्मूला नॉर्मलता एन बराबर होता है डब्लू बी गुणे 1000। ठीक है, अब इसका ध्यान रखेंगे एमएल में दिया है तो एमएल का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे बटा ई बी गुणे कितना आयतन जो भी है वह है इन एमएल। ठीक है, भी इन एमएल। अब देखिए, अब डब्लू बी यानी क्या है, ये विलेय का भार। ये देखिए 4 ग्राम एनएच को, ये 4 ग्राम है, ये 250 एमएल है, इसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होता है, विलायक होता है, विलेय होता है। तो जब विलेय होता है तो विलेय को हम बी से दर्शाते हैं, तो किसकी मात्रा है, यह डब्लू बी की मात्रा, डब्लू बी की मात्रा हो गया 4 ग्राम। ठीक है, और फिर ये भी दिया है भी तीन एमएल, कितना एमएल है 250 एमएल। ठीक है, अब हमको निकालना है ईबी, ईबी का मतलब विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो विलेय क्या है, एनएओएच है, तो इसमें हम निकालेंगे एनएओएच का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो एनएओएच का तुल्यांकी भार बराबर ये क्या होता है, एनएओएच इसका अणुभार, इसका अणुभार अब बटा क्या है, ये ओएच की संख्या, तो अणुभार कितना होगा, एनए का होता है 23 प्लस ओ का 16 प्लस एच का 1 अपान ये कितना है, ओएच संख्या 1 है, यानी ये हो जाएगा 40 बटा 1 इक्वल टू 40 40 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता, यानी इसका मान मिल गया हमको, ठीक है, ई बी का मान मिल गया और बी का भी मान मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम फार्मूले में रख देंगे, यानी एन बराबर क्या होता है डब्लू बी गुणे 1000 बटा ई बी गुणे भी इन एम एल, यानी इसका टू डब्लू बी कितना है 4 ग्राम दिया है गुणे 1000 बटा ई बी कितना आया, ई बी आया 40 आया, गुणे भी कितना दिया है
250 है मान लो, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो गया, यानी ये हो गया 4/10, यानी ये क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है, यानी इसकी नामांतरता कितनी निकल गई, नामांतरता निकल गई 0.4, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए हमारा फार्मूला है नॉर्मलिटी का n, ये नॉर्मलता दिया है 1/10, n बराबर होता है WB गुणे 1000 बटा EB गुणे आयतन V इन ml, ठीक है, EB गुणे V इन ml। देखिए यहाँ 250 ml दिया है, जब ml दिया है तो जो ml का फार्मूला है उसे हम यूज करेंगे। अब देखिए यानी WB बराबर क्या है, तो देखिए 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए, ठीक है, ये तो दे दिया विलयन का आयतन, ये दे दिया 1/10 विलयन की नॉर्मलता। अब बार आए कि Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये हो गया विलायक और Na2CO3 क्या होगा उसमें विलेय होगा, जो भी क्वांटिटी मिलेगी वह जो क्या होगा वह उसमें विलेय होगी, तो ये क्या हो गया WB, यानी यह विलेय की मात्रा है, तो हमको यही निकालना है, ठीक है। तो मान लिया WB क्या है, WB विलेय की मात्रा, तो मान लिया विलेय या Na2CO3 का रहा है, Na2CO3 की मात्रा कितनी है W ग्राम, ठीक है, तो W जो मान लिया हम W ग्राम, ठीक है। अब हमको ईवी चाहिए, ईवी क्या है, ये होता है विलेय का भार बटा क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार। अब देखिए तो
ईवी है विनय का ईवी इक्वल टू विनय का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार विनय क्या है Na2CO3 है तो अब Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे यानी Na2CO3 का Na2CO3 का तुल्यांकी भार अब देखिए ये क्या है यह एक लवण है ठीक है तो जब लवण है तो उसका क्या होता है लवण का तुल्यांकी भार यानी इसका भार बटा धनावेशों की संख्या फार्मूला आपको पहले बता दिया गया है तो इसका भार कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम का 23 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3 अब बटा विस्थापनीय क्या यानी धनावेशों की संख्या कितनी होगी 2 होगी तो ये 2 यानी प्लस 2 कितना है तो 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 48 बटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 106 बटा 2 इक्वल टू 53 ठीक है यानी ईवी कितना निकल गया ईवी निकल गया 53 पर अब देखिए डब्ल्यू बी हमको निकालना है ईवी निकल गया वी दिया है और वी दिया है कितना 250 ml तो हम मान कर देते हैं तो फार्मूला होता है n इक्वल टू डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटा ईवी गुणे वी इन ml ठीक है n का मान कितना है n बराबर दिया है n अपॉन 10 यानी n बराबर है 1/10 ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू डब्ल्यू बी क्या माने हैं डब्ल्यू बी माने हैं डब्ल्यू तो डब्ल्यू गुणे 1000 बटा ईवी देखिए क्या है 53 53 गुणे बी कितना है बी का मान है 250 अब इसको हल करने का डब्ल्यू का मान निकल जाएगा यहाँ त्रिज्या गुणा करेंगे यानी ये हो गया डब्ल्यू गुणे 1000 गुणे 10 इक्वल टू ये होता हो जाएगा 53 गुणे 250 यानी डब्ल्यू बराबर 53 गुणे 250 बटा 1000 गुणे 10 यानी ये हो गया 2500 हो गया 4 यानी ये हो गया 53/40 40 हो गया तो इसका मान आता है 1.35 समथिंग ठीक है 1.35 समथिंग आता है तो एक बार और ध्यान दीजिए इसका याद दिया है कि 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ठीक है तो जो हमको मात्रा क्वांटिटी ज्ञात करना है वह विलेय की है तो विलेय को हम डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं तो मान लिया विलेय या Na2CO3 की मात्रा कितनी है डब्ल्यू बराबर ठीक है तो डब्ल्यू बी बराबर हो गया डब्ल्यू अब ई बी है ठीक है ई बी क्या है विलेय का तुल्यांकी भार विलेय क्या है विलेय Na2CO3 है तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यह एक लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा धनावेशों की संख्या इसके कितने धनावेश हैं दो हैं ये मैं परमाणु भार निकाल दिया अपान दो अपान टू तो ये हो गया 106/2 53 पर अब देखिए बी का मान दिया है 250 दिया है 1/10 अब इसका मान हम इस फार्मूले में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा डब्ल्यू का मान निकल जाएगा ठीक है तो जो आपको बताया गया इसको आप जो है ध्यान से आप वीडियो देखिए वीडियो करके देखने के बाद जो आपके पास बुक है ठीक है उससे उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करें धन्यवाद।